बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। और आज मैं आपको लेके आ गया दिल्ली इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। और आज इसके एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, क्या क्या पार्टिसिपेंट्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी कि आपको कहाँ पर आना है, कैसे आना है। एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस एपिसोड। तो फिलहाल मैं आपको सबसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहूँगा। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल जो पेविलियंस हैं टर्की के साथ में। एक ऐसा पेविलियन है जो जब भी आप यहाँ पर आते हैं इंटरनेशनल में आपको दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सारी लाइट्स होंगी, ये बहुत बढ़िया बढ़िया इनके आइटम्स रहते हैं। और मुझे जो बताया गया है वो ये है कि ये सारे हैंडमेड हैं, ऑल दीज आर हैंडमेड जितने भी आप देख रहे हैं। और ये लाइट्स जो आप यहाँ पर देखेंगे, ये सारी की सारी लाइट्स जो हैं ये भी हैंडमेड है, और तभी थोड़ा सा इनका जो प्राइसेस हैं यहाँ पे एक्सपेंसिव रहते हैं। और ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम्स, एक्साइज वगैरह वगैरह। सो जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी यहाँ पर आते हैं इस हॉल को ज़रूर विज़िट करें, देखें क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद भी सकते हैं। एक जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो है ये फुटवेयर जो इन्होंने बनाया हुआ है, दैट इज़ अगेन सेरामिक का ये है। तो जैसा कि मुझे बता रहे हैं दिस इज़ फॉर अराउंड 800 एंड दिस इज़ हैंडमेड। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें हैं जो आप अगर टर्की की लेना चाहें, यू विल बी इंटरेस्टेड, आप यहाँ से ले सकते हैं। So right now I have with me Mr. Harula from Istanbul, and he is the one who comes. I think you come every year, right? Yes, every year I come, around 20 years this time. The product is all handmade. This is for Murano glasses, and we have ceramic. Right. Okay. All handmade, never machine. Okay. So the range starts from like in Indian rupees? Indian rupees starting for 500, okay, and around going for 20,000. 20,000. Yes. What about these lights? These lights are basically very interesting one. You know, whenever we visit, these are the lights which are the main center of attraction as far as your stall is concerned. We have been observing it from some few years, from the past few years. So how much is the range as far as these lights this are? This light is starting for, we have single, three piece, five piece, four corner, center, balcony places. Okay. And used for all is handmade, okay, never machine. Okay. And little is expensive because color is natural. Right, okay. This is Murano glasses, only manufactured for Turkey. Okay, okay. So all these are manufactured in Istanbul? Yes, Istanbul. Okay. I am manufacturing. And what exactly is the starting range as far as these lights are? Around this five pieces, yeah, is coming 12,000. Okay. And this double lamp is coming 4,000. Okay. And we have small double lamp. Okay. It's 2,000. Right. This was ceramic items. Right. This is 1,500. Okay. And we have Sufi. Right. It's coming 1,500. Okay. And we have shoes 800. Right. I show you shoes. Yeah. Yeah. This shoes only know for table. This is a hanging also. Oh, okay. Yes. Okay. Hanging so also. This is something interesting which I am seeing over here. Ki aap chahe to aap is shoes ko hang bhi kar sakte hain. They have got this point out here. So this can be hanged as well. So these are small little pretty interesting things. So do come over here in this hall, Turkey, and meet Mr. Harula. He'll be here. और जितने भी आप इनसे इंटरेस्टिंग हो, अगर आप टर्की में, जो मुझे लगता है आप ज़रूर लें यहाँ से जो हैं कुछ ना कुछ सोवेनियर्स हैं टर्की के, मेक श्योर यहाँ पे ज़रूर आएँ और इनसे ज़रूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इंटरनेशनल में है। हाँ, पर मैं आपको देना चाहूँगा एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की टिकट्स अवेलेबल हैं सिर्फ मेट्रो स्टेशन पर, और वो भी कुछ चुनिंदा मेट्रो स्टेशन पर। सो मेक श्योर करें कि जब भी आप आते हैं टिकट्स पहले से ही आप लेके रखें। सेकेंडली, जो टिकट्स अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो bookmyshow.com पर भी आप इसके टिकट्स ले सकते हैं। तो लेडीज़, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वेलरी के लिए भी, तो उसका भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। फिलहाल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ टर्की के स्टॉल पे, और इनके पास आप देख सकते हैं ऑल दी ज्वेलरीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, विच आर दी आर्टिफिशियल वंस, ये सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं। थोड़ा सा मैं इनसे थोड़ा रेट का भी आइडिया लेता हूँ कि हाउ मच दिस, फॉर टू गिव यू एन आइडिया। वैसे ये नेकलेसेस वगैरह, व्हाट एक्जेक्टली आर द प्राइसेस ऑफ दिस नेकलेस, द रेंज? ओके, सो ऐसे से जो रेंज मुझे बता रहे हैं 2500 से स्टार्ट होकर इट गोज टिल 10,000 जो है। यहाँ पे कुछ मैं इंटरेस्टिंग रिंग्स भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। सो इनकेस अगर आप रिंग्स में इंटरेस्टेड हो, दे हैव कुछ अलग हट के यहाँ पे रिंग ज़रूर है जो नॉर्मल इंडिया में नहीं मिलती है। एंड हाउ मच आर दीज रिंग्स फॉर, द रेंज दैट यू हैव? ओके,
तो अगर आप रिंग्स के अंदर भी इंटरेस्टेड हैं, इनकी रिंग्स थोड़ी अलग हटके हैं और जनरली जो डिज़ाइन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो मैंने इंडिया में तो नहीं देखे हैं। जो इनकी रेंज है 500 टू 3000 के आसपास है। तो फिलहाल मैं अभी हूँ थाईलैंड के एक स्टॉल में। थाईलैंड भी काफ़ी हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आता है, जैसे कि इस बार भी आई हैं। फिलहाल जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये रूम फ्रेशनर्स हैं, दीज आर फॉर अराउंड रुपीज़ 100। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, स्पून्स हैं, द वुडन स्पून्स आर देयर। लेकिन मुझे काफ़ी जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी जो मैं चाह रहा हूँ मैं आपको दिखाऊँ, वो है इनकी एक डोर बेल। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस वन। तो ये डोर बेल्स भी इस तरह की आप चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और जो काफ़ी मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो है इनके इनहेलर्स। बहुत ज़बरदस्त इनकी स्मेल है, स्ट्रॉन्ग है, और जैसे ही मैं इनको इनहेल कर रहा हूँ ये पूरी स्मेल अंदर तक जा रही है। तो अगर आप चाहें तो ये इनहेलर्स भी यहाँ से आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी इनकी ये वाली मुझे आइटम्स लगे हैं। दीज आर बाम्स। तो अगर हर्बल बाम्स भी आप चाहते हैं, जो थाई बाम्स हैं वो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। दिस इज़ अगेन मस्ट बाय थिंग। सो दिस इज़ अगेन फॉर हेड एक, नेक पेन, शोल्डर पेन। तो जितनी भी तरह की आपकी पेन से आजकल पेन सभी को रहती हैं, यू कैन ट्राई द थाई बाम्स एज वेल। लेडीज़ अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टफ़ फॉर यू। राइट नाउ मैं एक थाईलैंड के एक दूसरे एक स्टॉल पे हूँ और यहाँ पर आपको मिल रही है अगेन आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हैव अ लुक एट दिस वन। यहाँ पे जितने भी आप ये इयररिंग्स देख पा रहे हैं दीज आर फॉर 100 रुपीज़। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको थाई ज्वेलरी मिल रही है, वो भी 100 रुपीज़ में। नॉट अ बैड डील एट ऑल। क्या क्या है दिखाता हूँ आपको। तो इस बार ट्रेड फेयर में जो हमारा फोकस कंट्री है दैट इज़ अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान को पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस पर अफगानिस्तान क्या क्या चीज़ें लेके आया काम। अफगानिस्तान में एक और जो सबसे इनकी स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ कारपेट्स। कारपेट्स का लास्ट टाइम भी अगर आपने हमारे एपिसोड देखे हों ट्रेड फेयर के, मैंने शोकेस किया था। इस बार भी कारपेट्स आए हुए हैं। हैव अ लुक एट इट, रेंज 5000 ऑनवर्ड्स एंड गो टिल लैक्स। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आप कारपेट्स में इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5000 वाला क्या है एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो दिस वन इज़ फॉर 5000 जो इनका मिनिमम रेंज स्टार्ट होती है। एंड दिस एंटायर कारपेट इज़ हैंडमेड। और शायद यही एक वजह है क्योंकि यहाँ पे जितने भी कारपेट्स हैं हैंडमेड रहते हैं तो थोड़ा सा इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अफगानिस्तान में जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही मैं इस टाइम हूँ स्टॉल नंबर 21 विच इज़ सलीम साबिर लिमिटेड। और इनके पास में मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि हैव अ लुक एट दीज वंस। तो ये अगर आप साइज़ चेक कर रहे हैं दीज आर रियल बिग वंस, जो वॉलनट्स हैं, जो अखरोट हैं, जैसे हैव अ लुक एट ये हैं। और बादाम भी अगर आप देखेंगे सो दीज आर टिपिकल काबुली बादाम, जो काफ़ी लंबे रहते हैं। और जो क्वालिटी वाइज अगेन अफगानिस्तान के जो ड्राई फ्रूट्स हैं यू कैन रिलाई ऑन देम ब्लाइंडली, प्रीटी गुड वन। सर बादाम का क्या रेट है ये वाले? सो द वॉलनट्स जो मुझे बताया गया, द वॉलनट्स आर फॉर अराउंड 1600 पर केजी। और अगर आप बादाम चाहते हैं सो बादाम का रेट सर? बादाम है मामला है 2500 केजी, राइट। तो जो मुझे बताया जा रहा है दीज आर मामरा बादाम्स, जो कि एक सुपीरियर क्वालिटी है, दीज आर फॉर 2500 पर केजी।
Okay, this is for smaller size. Yes. Okay. And this one is smaller size. This is for around 1200. This is for 1200. Okay. So if you see. तो अगर आप इसमें देख रहे हैं जो ये इवन जो बादाम है उसमें भी तकरीबन डबल का फ़र्क आ जाता है एंटायरली बेस्ड ऑन क्वालिटी। आप चाहें तो तकरीबन जो 1000 रुपये के वो भी आप ले सकते हैं, चाहे तो जो 2500 रुपये वाले हैं ले सकते हैं। दैट मीन्स क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। सो राइट नाउ मैं जिस स्टॉल पे हूँ, दिस इज हाजी मोहम्मद नासिर साहब और ये इन्हीं का ही ये स्टॉल है। तो मेरे साथ इस टाइम है मोहम्मद सियार साहब जो नासिर साहब के बच्चे बेटे हैं। हमारे पास जो ड्राई फ्रूट है सब सबकी ड्राई फ्रूट है, अफगानिस्तान से लेकर आता है और ये बादाम है, पिस्ता है और अखरोट है, और बादाम ऑयल है, हींग है और केसर है, ये सब चीज़ें हम लेकर आएंगे। इस बार क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग राइट बिलो जो ये अफगानिस्तान का स्टॉल है विच इज़ मोहम्मद हाशिम हुसैन। और इनके पास कुछ अलग हट के वेराइटीज़ जो हमने जनरली नहीं देखी हैं वो है मिठाइयाँ जो इस बार अफगानिस्तान की आई हैं। सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन टू थिंग्स राइट नाउ। सो वॉट एग्जैक्टली इज दिस कॉल्ड? ओके, सो दिस इज यू नो दिस इज एंटायरली full of dry fruits and all. So what exactly is this made of? Special Afghani sweet full of nuts and it's pure cow milk. Made from pure cow milk. It's full of nuts like pistachio. Right. So just have a look at it. So full of dry fruits. And if I tell you the taste, it is not exactly sounding like the Indian barfi. This is more like a toffee, like you are eating toffee. It's a very big taste. So if you come here, try this one as well. And this is how much? How much is this for? 300. How much grams like? Grams 250. 250 grams, 300. Afghanistan ki mithai khane ka aapke paas supreme mauka hai, yahan pe zarur aaye aur ye zarur khareede. दुबई भी इस बार यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है एंड आई एम स्टैंडिंग राइट हियर एट द दुबई स्टॉल विच इज़ अली बाबा टेक्सटाइल ट्रेडिंग। इनकी दुबई में शॉप है और इनके पास काफ़ी बढ़िया सूट्स हैं। अगर आप सूट्स में इंटरेस्टेड हो वो भी दुबई के दस, जैसे कि एक मुझे जो पसंद आया विच इज़ दिस वन, दिस इज़ फॉर सर हाउ मच? 5000. दिस इज़ फॉर 5000 एंड द मटीरियल? इट इज़ ऑन प्योर शिफॉन। ओके ओके ओके, वर्क इज सीक्वेंस वर्क। राइट, ओके, सो देयर यू गो, द सीक्वेंस वर्क प्योर शिफॉन 5000। बहुत इनके पास ज़्यादा वैरायटी है, कम ओवर है। आप देखिए कि किस किस टाइप के सूट्स हैं, हर तरह के सूट्स हैं इनके पास में, डिज़ाइनर, प्लेन, सिंपल। तो अगर आप दुबई के सूट्स में भी इंटरेस्टेड हो, दिस इज़ अ प्लेस टू कम एंड मीट दिस जेंटलमैन और लीजिए आपको जो भी सूट्स चाहिए। सो द स्टार्टिंग रेंज दैट दे हैव इज 2000 एंड गोस टिल 15000। तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स में सूट्स थे जिन पे लिखा हुआ था हांगकांग। तो अगर आप इस तरह के सूट्स भी देखना चाहते हैं तो आई एम नॉट श्योर कि ये हांगकांग में प्रोडक्शन होते हैं या नहीं, बट अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। तो एक और ऐसी कंट्री जो आर्ट एंड कल्चर वाइज मुझे काफी इन्फ्लुएंस करती है वो है इजिप्ट। और यहाँ पे इजिप्ट भी इस टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है और मैं इजिप्ट के स्टॉल पे हूँ और कुछ यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट एंड कल्चर जो इजिप्शियन आर्ट एंड कल्चर है उसके भी आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल है। हैव अ लुक। इजिप्ट का जो पेविलियन था इसमें मैंने मेक श्योर किया कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाऊँ और इसका रीजन ये था कि इजिप्ट जैसी जो कंट्रीज है वो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बहुत कम पार्टिसिपेट करती हैं और जब भी ये पार्टिसिपेट करें जो इतनी कल्चरली रिच और जिनका काफी ज्यादा अच्छा हेरिटेज है तो आप मेक श्योर करें यहाँ से कुछ ना कुछ सुवेनियर्स अगर आप चाहें तो जरूर लेके जाएं। like this one is for around 300.
तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्टॉल्स में आप बहुत ज्यादा बार्गेनिंग तो नहीं कर पाएंगे, बट अप्रोक्सीमेटली 10 मैक्सिमम 20% की बार्गेनिंग आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे वियतनाम भी था, और वियतनाम जैसे कुछ कंट्रीज जैसे कि कोरिया और चाइना यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ से आपको रिटेल का सामान तो मिलना काफी मुश्किल है, बट आप यहाँ से आइडिया जरूर ले सकते हैं। इसी तरह की एक और कंट्री जो मैंने देखी वो थी बहरीन, और यहाँ पे आए हुए थे परफ्यूम्स। तो अगर आप बहरीन के परफ्यूम्स या इत्र में इंटरेस्टेड हो तो भी आप यहां से ये जरूर ले सकते हैं। तो नेपाल में आप जब भी आते हैं, नेपाल का एक ट्रेडमार्क आइटम है विच इज दिस कुकरी। लास्ट टाइम जो मैंने कवर किया था उसमें भी मैंने आपको ये दिखाई थी। अब ये थोड़ी बड़ी कुकरी है, दिस इज फॉर अराउंड 2500। आप ये देख सकते हैं स्टैंड इसका अलग से है, स्टैंड इज फॉर 500। तो ये अगर आप चाहें इस तरह के ट्रेडिशनल आइटम्स नेपाल के, ये भी आप ले सकते हैं। और ये वाली जो है दिस इज अ स्मॉलर वन, तो अलग अलग साइजेस हैं, अलग अलग इनके प्राइजेस हैं इनके पास में। तो इफ़ यू वॉन्ट वी कैन हैव दिस वन एज वेल। तो ये स्टैंड के साथ आती है, देयर यू गो। तो अगर आप स्टैंड के साथ चाहते हैं इसको खरीदना, शो की आइटम पे तो आप ले सकते हैं। और ये जो मुझे दिखा रहे हैं उससे भी बड़ी है। सर ये कितने की है ये आप बताइए? ये है सर 4500। देखिए तो 4500 में अगर आपको ये चाहिए जो अच्छा खासा जो है बड़ी है ये, तो ये भी आप खरीद सकते हैं। काइंड ऑफ अ रेम्बो नाइफ, नेपलीज रेम्बो नाइफ आई शुड कॉल देम। 4500 जो सबसे अमेजिंग चीज़ मुझे लगती है, इंटरेस्टिंग भी काफ़ी लगती है, वो है ये सिंगिंग बाउल। अब एक सिंगिंग बाउल इसे क्यों कहा जाता है बोलो? इंटरेस्टिंगली मैंने इन बाउल्स में देखा कि इनके आसपास लिखे हुए थे मंत्रास, जिनका उच्चारण एक तरह से इन बाउल्स के द्वारा किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली इन बाउल्स की वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, सो दिस कनेक्ट यू टू द यूनिवर्स। यू कैन फील द वाइब्रेशन हियर, यू व्हेन यू टच डाउन हियर ऑन दिस, या एंड देयर इज अ साउंड आल्सो। तो ये जो सिंगिंग बाउल्स हैं दे आर नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, बट ये प्रार्थना करने के लिए होते हैं, टू हील योर इनर चक्रास आप इन्हें यूज करते हैं। और इन्होंने एक स्पेशल बाउल जो मुझे दिखाया विच इज़ अ मून बाउल, इसको फुल मून के टाइम ही इसको जो है इसमें साउंड की जाती है, एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल। यहाँ तक है कि जब ये उसकी साउंड डिस्प्ले कर रहे हैं ना, हैव अ लुक, ये भी आपको दिखाएंगे, हैव अ लुक के इसमें क्या रिपल्स क्रिएट होते हैं। जस्ट सी, अगर आपने अभी देखा हो क्या जबरदस्त वाइब्रेशंस हैं, एंड दीज आर हाउ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर जिन्हें आप कह सकते हैं कन्वेंशनल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। इनफैक्ट आई वुड से कि ये काफ़ी स्पिरिचुअल साइंटिफिक कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके चक्रास को भी हील करती हैं और पूरा वर्कआउट करती हैं आपको हील करने में। अमेजिंग। So these are small little things that you can have from Nepal, like this singing bowl. This is a handmade thing. तो इस तरह के अगर आइटम्स जो आपको इंडिया में नहीं मिलते हैं यहाँ से लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं।
तो ड्राई फ्रूट के बाद अगर आप शौकीन हैं नॉर्मल खाने पीने की, जैसे कि नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स वगैरह वगैरह, तो ये जगह आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है, क्योंकि इस तरह के, चाहे वो राजस्थान के नमकीन हो, स्नैक्स हो, यहाँ पर काफी सारे अवेलेबल है। इस तरह की स्टेट ओन्ड शॉप्स जो हैं, जो कि लोकल वहां के वेंडर्स हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और अपने मजेदार मजेदार आइटम्स भी आपके लिए लाए हुए हैं। तो इस तरह के कुछ भी पैकेट्स आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, चाहे वो गजक हो या फिर मूंगफली, रेवड़ी वगैरह वगैरह। इस बार आपको काफी ज्यादा यहाँ पर एंजॉय करने को चीजें मिल रही हैं। सो मेक श्योर आप अपना शॉपिंग बैग काफी सारे लेके आए, जिसमें भर भर के आपको घर पे ये सब लेके जाना होगा। खाने के साथ साथ अगर आप आर्ट के शौकीन हैं तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से काफी ज्यादा वेंडर्स आए हुए हैं, जो आपको अपनी ब्यूटीफुल कारीगरी से आश्चर्यचकित करेंगे। इसी तरह के एक वेंडर मुझे मिले जो आए हुए थे ओडिशा से और जिनकी बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टवर्क था। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम सर अक्षय कुमार बारिकी, पिताजी का नाम ब्रजकिशोर बारिकी। हम लोग ओडिशा पूरी डिस्ट्रिक्ट से है। ये हमारा एक गांव है, वो हेरिटेज विलेज रघुराजपुर है। वहाँ पे सारे लोग, हम लोग आर्टिस्ट परिवार के हैं। हमारे पिताजी दादाजी यही सब करते थे। ये जो आर्ट है, ये जनरेशन है, इसका नाम है पट्टचित्र। पट्टचित्र क्या होता है, ये जो बेस का ऊपर हमने बनाया, ये जो कपड़ा है, लेडीज़ लोग जो साड़ी पहन के फेंक देते हैं, वही तीन पुराना कॉटन साड़ी और तामरिन बीज को ग्राइंडिंग करके बॉइलिंग करते हैं। उसी बॉइलिंग गम से तीन पुराना साड़ी को जॉइंट करते हैं। जॉइंट करने के बाद व्हाइट चक दे के बार बार पत्थर में घिसते हैं, जब धूप में हार्ड हो जाता है, ये हो गया पट। जब पेंटिंग बना देते ये हो जाते हैं पट्टचित्र। पट्टचित्र ज़्यादातर के सब नेचुरल कलर से बनती है। ये जो व्हाइट कलर है, ये सी सेल है। सी सेल, हाँ। और ये जो ब्लैक कलर है, ये बर्निंग लैम्प सूट है। तो ये सारे आपके जितने कलर्स यूज होते हैं, सारे येलो कलर हैं। हरिताल नाम का एक पॉइजनस पत्थर है। ये जो रेड है, लेडीज लोग जो सिंदूर लगाते हैं, ये एक हेंगुल नाम का एक पत्थर है। और एक गेरू ओकर कलर होती है, जो ओकर स्टोन होती है, एक गेरू कलर होती है और एक इंडिगो नीलगिरी स्टोन होती है। ये छः कलर को हमने उड़ा पलगो मिला के पहले तैयार करते हैं, 6 कलर। इसका बाद कलर को कलर मिला के 30-35 कलर बना देते हैं। तो यानी कि आपके जितने यहाँ कलर्स यूज होते हैं, सारे इको फ्रेंडली हैं, नेचुरल कलर्स हैं। और ये तक जो शीट है, ये भी नेचुरल। जी जी, इसमें पूरी हैंडमेड है। और ये हमको इसमें बनाने का क्यों है, हमारी जगन्नाथ मंदिर में ये पट्टचित्र इसी मटेरियल में, भगवान की जो बुखार हो जाता है, अच्छा, पट्टचित्र को इसी मटेरियल में पूजा करा जाता है। अच्छा, इसलिए ये हम लोग जनरेशन आर्टिस्ट है, हम लोग उसको पूजनी भी माना जाता है। जी जी जी, ठीक। और पट्टचित्र में ज़्यादातर के माइथोलॉजिकल स्टोरी होता है, कृष्ण की लाइफ स्टोरी, रामायण की लाइफ स्टोरी, ट्री ऑफ लाइफ, शिव जी पुराण, जैसे ये पूरी कृष्ण लीला है, ठीक है, ये वाला। इसमें एक सामने रखा है पूरी रामायण कथा, ये वाला। उसमें पूरी गणेश कथा है। ऐसे पट्टचित्र में सब माइथोलॉजिकल हिस्ट्री हम लोग बनाते हैं। इसी पट्टचित्र में मेरे को तो देखिए, पट्टचित्र में सर 2011 में मेरे को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, 2014 में मेरे को इंडोनेशिया से यूज कार्ड मिला था, 2017 में मेरे को गोल्ड मेडल मिला था। जी बिल्कुल, तो जैसे कि देखा आपने, प्रेसिडेंट अवार्डीज भी यहां पर आते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी अबाउट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021। और इनके प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली इन्हीं से खरीद सकते हैं। इनके रेट्स क्या होंगे, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो इनकी क्या कॉस्टिंग है, अगर पूरी कलरफुल पूरी लीला की अगर हम? सर कॉस्टिंग तो वर्क का हिसाब से होता है। जैसे ये 10 अवतार है, ये 7 डेज लगा था, 2500 के। तो अगर आप इस तरह के वेंडर्स जो हैं, अगर आप इनसे डायरेक्टली खरीदना चाहते हैं, तो उनका एड्रेस आप सामने देख सकते हैं और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, जिसे आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इनका आर्टवर्क ले सकते हैं।
अब बात हो रही है ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स की, तो यहाँ पर इन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और इन ट्रेडिशनल आइटम्स को ढूंढते ढूंढते एक और में इंटरेस्टिंग वेंडर के पास पहुंचा, जिनका नाम था मोहम्मद आरिफ साहब। मोहम्मद आरिफ साहब के पास, जैसे कि आप देख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनके बारे में जानना मैंने बहुत जरूरी समझा। इनके पास क्या है, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ये जो हमारे यूपी में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट जो चल रहा है, तो उसमें जितने भी यूपी के अंदर ज़िले हैं, हर ज़िले का कुछ ना कुछ है। पर हमारे ज़िले संभल में है, ये हड्डी और सींग का काम जो होता है, आज से नहीं, ये करीब 50 साल से होता है। ये हमारे यहाँ पहले कंघी बनती थी सींग की। अच्छा जी। तो सींग की कंघी बनी, फिर कड़े बने, फिर ये जो मग वगैरह है, ये हॉर्न है, हॉर्न का काम है, जो पूरे हिंदुस्तान से हॉर्न बॉर्न जो रॉ मटेरियल है वो आता है। अच्छा। जो वेस्ट जाता फेंकने का होता है, उससे हम लोग जो है ये बनाते हैं। और गवर्नमेंट हमारी काफ़ी इस पर मतलब सहूलियत देती है। अच्छा। ताकि ये स्टाल ही मानो तो कम से कम 1,00,000 रुपये का स्टाल है ये। अच्छा। लेकिन हम आर्टिजनों को ये स्टाइल जो है फ्री दिया जाता है। और आप ये कब से कर रहे हैं आप ये? मैं तो ये काम 40 साल से करता हूँ। 40 साल। अभी ये 10-12 साल से ये इस लाइन में हम लोग आए हैं। अच्छा जी। और अच्छा रेस्पॉन्स है। अच्छा, तो वैसे इसमें क्या कोई ऐसी चीज़ दिखाई है जो एक आम आदमी अपने घर में सहूलियत से रख सकता है और अच्छे से सजा सकता है? जैसे ये हमारे हॉर्न के पीस हैं, ये पीसेस। अच्छा। ये शो पीस हैं, ये शो पीसेस हैं। साथ में कुछ ये जो जैसे ये फ्लावर पॉट्स हैं। अच्छा। ये रखें। और ये जो मग है, ये जी बियर मग बोलते हैं, बियर मग। इसका काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा। ठीक है। क्योंकि अंदर जो है इसके हम लोग वो डालते हैं रेजन वगैरह। ओके। तो ये जो बाहर के जो विदेशी लोग हैं, इसमें बियर का इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी आप प्रॉपर पैकिंग करते हैं या कैसे, किसी को लेके जाना हो, गिफ्ट करना हो? तो बबल में हम लोग पैक करके देते हैं। बबल में देते हैं। हाँ। तो जितनी सबसे महंगी चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, जैसे आप 500 की बताया आपने हॉर्न है, ऐसे कारीगरी में? जैसे ये हॉर्न का बॉक्स चाहिए। अच्छा। 2000 का है। ये ज्वेलरी बॉक्स है? हाँ, ज्वेलरी बॉक्स है, कुछ भी आइटम रख सकते हैं। ठीक है। और ये सारा हैंडमेड काम है, सारी कारीगरी? ये आइस बॉक्स है। आइस बॉक्स नीचे स्टील है, ऊपर ये सारा हॉर्न है। सब नेचुरल चीज़ें? सब नेचुरल। आपने यूज़ की? ठीक है। तो आपका स्टॉल नंबर क्या है, किसी ने यहाँ पे डायरेक्टली आना हो तो? 108 है। 108। ठीक है। चलिए एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं, अगर आप स्टेट पेविलियंस जाना चाहते हैं तो वो हॉल नंबर 4 के सेकंड फ्लोर पर है। अब आपको एक मजेदार टिप और दूं कि सेकंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए आप लंबी चौड़ी सीढ़ियों पे मत जाइएगा। अगर आप चाहें फिटनेस तो जरूर जाएं, लेकिन अगर आपके साथ कुछ एल्डरली हैं तो आप लिफ्ट का यूज भी कर सकते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। लिफ्ट कॉर्नर में है, शायद आपको दिखाई ना दे, सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी सिक्योरिटी वॉलंटियर से वहां से पूछ लें और लिफ्ट का यूज करके सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाए और यहां पर भी आप करें मजेदार शॉपिंग, वो भी इतने वंडरफुल वेंडर्स द्वारा। स्टेट पेविलियंस काफी ज्यादा बड़े नहीं हैं, बट फिर भी काफी इनको ज्यादा स्पेस दी गई है, तो अगर आप चाहें तो ये पूरे पूरे पेविलियंस भी आप घूम सकते हैं और यहां से भी आप इन वेंडर्स की जो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्यूटीफुल आइटम्स हैं, वो देख सकते हैं। यहां पर भी मैंने देखे काफी ज्यादा हैंडलूम मिल रहे थे और यहां पर इनफैक्ट जो बेस्ट चीज मुझे देखने को मिली वो थी लोकल आर्टिसंस आपके सामने बैठे हैं और आप इन से चीजें बनते हुए भी देख सकते हैं, जैसा कि ये मोहतरमा यहाँ पर बना रही थी, विच वर द बैम्बू बास्केट्स, और ये एक अद्भुत चीज है देखना, जो आप खरीदते हैं वो कैसे बनता है, इसे देखना भी एक अलग हटके एक्सपीरियंस रहता है। तो चाहे इस तरह का आर्ट वर्क हो या इस तरह का कोई भी हैंडीक्राफ्ट हो, यहाँ पर आप बनते हुए भी देख सकते हैं, विच इज अगेन अ ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव। यहाँ झारखंड के पेविलियन के अंदर भी मुझे काफी कुछ इंटरेस्टिंग आइटम्स लगे। यहाँ पर काफी ज्यादा वैरायटी है जो भी आप खरीदना चाहते हैं उन सब की, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, हैंडलूम्स हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, या अलग अलग इस तरह के आर्टवर्क हो।
घर के यूज की चीजें भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो अगर आप चाहें इस तरह की कुछ यूनिक चीजें लेनी जो डायरेक्टली झारखंड से आती हैं, वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और अलग अलग वैरायटी के शॉप्स ने मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस किया। सो दीज आर सम थिंग्स टू लुक फॉर व्हेनेवर यू आर विजिटिंग झारखंड पेविलियन। और खास तौर पे जो मुझे यहाँ पे चीज एक और बड़ी मजेदार लगी, वो थे यहाँ पर एक और महाशय जिन्होंने मुझे काफी अच्छी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई। वो क्या थी, चलिए देखते हैं। ये आपकी हैंडमेड चीजें हैं सारी? सर, ये कलर नेचुरल और वेजिटेबल से। अच्छा जी। और ये मधुबनी पेंटिंग से सर। मधुबनी पेंटिंग जी। ये सारी नेचुरल कलर से आप यूज करते हैं? जी सर। और ये कहाँ से हैं आप? हम तो मधुबनी बिहार मिथिलांचल के रहने वाले लोग हैं। अच्छा, फिलहाल रांची में हम रहते हैं और झारखंड से आए। और ये कब से आप ये इस कलाकारी के अंदर है, कब से आप कर रहे हैं? हम जब से हमको ज्ञान हुआ है ना, अच्छा, तब से घर में बनते आए हैं, मेरी माँ लोग बनाती है। अच्छा, तो ये क्या कॉस्टिंग शुरू है इसकी, कितने से कितने तक की, कितनी महंगी यहाँ पे मिलती है? मेरे पास सर 2-3 लाख तक है। अच्छा जी, इसका दाम रखा 3 लाख। तो देखा आपने, चाहे ये ब्यूटीफुल मधुबनी पेंटिंग्स हो जो कि कुछ पैसों से लेके 3 लाख रुपए तक की है, और भाई क्यों ना हो, इसमें वर्क लेवल बहुत ज्यादा लगता है। तो इन मधुबनी पेंटिंग्स के साथ साथ अगर आप कारपेट्स के भी शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे काफी कुछ मिल सकता है। इन कारपेट की कॉस्टिंग कल कितने से शुरू है? स्टार्टिंग सर आपको 2500। और ये इस इतने, ये लोवेस्ट रेट भी आपको 1500 से है। जो बढ़िया आपका हाथ की कारीगरी है वो कितने से स्टार्ट होती है? वो तो कॉस्टिंग पड़ेगा। कितने तक का, मतलब किस मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस हम लोग का हैंडमेड कारपेट आपके 25,000। और आपने यहाँ पे रखे हुए हैं महंगे से महंगे कारपेट? महंगे से महंगे कारपेट से यहाँ पर हमारे यहाँ ईरानियन कारपेट रखे हैं। अच्छा जी, तो अगर कोई देखना चाहे तो आप दिखाएंगे 25,000 से 30,000 की रेंज का? बिल्कुल दिखाना चाहिए। चलिए, तो मैंने सोचा इनकी कारपेट की कुछ रेंज भी आप लोगों को दिखाई जाए और इसका टाइप भी दिखाया जाए। और ये वुलन वूल का है या फिर क्या? इसमें सिलिकॉन का। और कितने बाय कितने साइज का है? 4x6। और क्या कॉस्टिंग बताई आपने? 25,000। और कितना वेट होगा इसका? ये वेट समथिंग आपको 7 kg। और जो कलर्स आप यूज करते हैं नेचुरल्स हैं इसमें या फिर केमिकल? नहीं नहीं, वो केमिकल नहीं, केमिकल। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद शादी है। मोहम्मद शादी। और आपका 37 नंबर जी है काउंटर? इसमें हम लोग 5 कारीगर थे। अच्छा जी, तो आप लोग ही बनाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग? ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को एक ही में करते हैं। ठीक है, तो इन ब्यूटीफुल कारपेट्स के बाद चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ ब्यूटीफुल शो पीसेस भी, विच वर वंडरफुल टू हैव अ लुक एट। अगर आप इस तरह के भी खरीदना चाहें तो भी आप यहाँ से आके ये सब ब्यूटीफुल पीसेस खरीद सकते हैं। चलिए, अब आपको ट्रेड फेयर की सैर कराते हुए मैं ले चलता हूँ स्टेट पेविलियंस की तरफ भी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेट पेविलियंस हैं हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, हॉल नंबर 4 और हॉल नंबर 5 के सेकंड फ्लोर पे। अब इन स्टेट पेविलियंस में क्या है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना है तो किन किन में आपको जाना है, और कौन कौन से ऐसे स्टेट पेविलियंस हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं, चलिए वो भी आपको सब बताता हूँ। चलिए, अब आपको ले चलता हूँ हॉल नंबर 3 में। एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको इंडिया के स्टेट्स को विजिट करना है तो हॉल नंबर 2 से लेके हॉल नंबर 5, यानी कि हॉल नंबर 2, 3, 4 और 5 के सेकंड फ्लोर पर सभी स्टेट्स हैं। तो अगर आप स्टेट पेविलियन में विजिट करना चाहते हैं, आपको सेकंड फ्लोर तक पहुंचना होगा, लिफ्ट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं स्टेट्स में और क्या क्या है। तो हॉल नंबर 3 में है आसाम का पेविलियन। अगर आप आसाम में जाते हैं तो आसाम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ के ट्रेडिशनल आइटम्स। यहाँ के काफी वेंडर अपने अपने ट्रेडिशनल आइटम्स भी लाए हुए हैं। तो अगर आप किसी तरह के कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक व्हाटएवर आप कुछ भी इस तरह के आइटम्स खरीदना चाहते हैं, देन दिस प्लेस इज फॉर यू। यहाँ पर आसाम के कुछ ऐसे भी आइटम्स थे जो आपको आसाम से ही मिल सकते हैं। तो अगर आपको दिल्ली में वो सब आइटम्स मिल रहे हैं, नथिंग गुड लाइक दैट। तो आसाम का एक ऐसा पेविलियन है जिसको आप जरूर विजिट कीजिए, और यहाँ से भी आपको काफी अच्छी चीजें शॉपिंग करने की मिल सकती हैं, चाहे वो मेडिसिनल हो, चाहे वो
खाने पीने की हो, इस तरह की चीजें आप जरूर ले सकते हैं। खास तौर पे जैसे कि ये चाय का पेविलियन आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप चाहें तो असम टी, क्योंकि असम मशहूर है अपनी चाय के लिए, आप असम की चाय भी यहाँ से ले सकते हैं। टेस्ट कर सकते हैं या नहीं ये थोड़ा सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि कभी कभार यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो जाने की वजह से टेस्ट करवाना इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल आप चाय को स्मेल कर सकते हैं और चाय को ले सकते हैं। इंडस्ट्री वालों के लिए भी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी कुछ रखा गया है, तो अगर आप इंडस्ट्री में भी इंटरेस्ट रखते हैं या इंडस्ट्री विजिट कुछ करना चाहते हैं या इस तरह के हैंडलूम्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं या हैंडलूम्स को लेकर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, दीज आर द गाइस टू बी कॉन्टेक्टेड। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो हैंडलूम्स हों या अपना डोमेस्टिक आइटम्स हों, हर तरह की चीज आप यहाँ से ले सकते हैं। तो असम मेरे हिसाब से एक मस्ट विजिट पेविलियन है जब भी आप ट्रेड फेयर आते हैं। असम जैसे स्टेट पेविलियंस के अंदर एक रिकमेंडेशन मैं आपको जरूर दूंगा कि अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर इन्हें आप लेकर जरूर आइए, चाहे वो ग्रोइंग किड्स हों जिनको साइंस में इंटरेस्ट है या आपके छोटे बच्चे भी हों, यहाँ की ट्रेडिशंस को देखना, यहाँ के प्रोडक्ट्स को देखना, यहाँ के आइटम्स को देखना समझना छोटे बच्चों के लिए या स्कूल गोइंग किड्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। सो दिस इज अनदर एडवाइस फॉर यू, अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर जरूर आएं ताकि वो स्टेट कल्चर इन सब की नॉलेज भी यहाँ पर आके आसानी से गेन कर सकते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट पेविलियन में लेके चलता हूँ जो कि है राजस्थान का। Yeah.
देखा आपने कुछ स्टेट्स कैसे अपने आप के बारे में खुद ब खुद बताते हैं। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एंटर करते ही राजस्थान की वाइब्स और राजस्थान का कल्चर आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। राजस्थान इस टॉप मोस्ट पेविलियन जो आपको विजिट जरूर करना चाहिए। इस बार राजस्थान में है काफी कुछ, चाहे वो यहाँ की मिठाइयाँ हो, यहाँ के आइटम्स हो जैसे कि जुत्तीस या फिर यहाँ की अलग अलग ज्वेलरीज, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, काफी कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो मेक श्योर करें राजस्थान को आप जरूर विजिट करें। सेकेंडली राजस्थान में जो मुझे एक चीज अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर जो वैरायटी है प्रोडक्ट्स की वो काफी ज्यादा है, तो आप जब भी चाहें बार्गेनिंग भी करें, अलग अलग वैरायटी के आइटम्स भी लें, और सेकेंडली राजस्थान से खूब थैले भरकर शॉपिंग करके जरूर लेके जाएं। दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। Another good thing in Rajasthan is अगर ladies को अपने लिए shopping करनी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, चाहे वो jewelries हो या यहाँ की मशहूर चूड़ियाँ, इस तरह की काफी items आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छी variety में। तो इस तरह के pavilion जैसे कि UV Arts या इस तरह के pavilion जो jewelries बेच रहे हैं, इसको आप जरूर try करें और अपने लिए कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर लें। साथ में अगर आप स्नैक्स चाहते हैं राजस्थानी, तो वो भी यहाँ पर काफी अबंडेंटली इस बार अवेलेबल है। सो मेक श्योर राजस्थान पेविलियन को जरूर विजिट करें, और चाहे वो होम टेक्सटाइल्स हो, खाना पीना हो, ज्वेलरीज हो, व्हाटएवर यू वांट टू बाय, आपको यहाँ से सब कुछ मिलेगा। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो जरूरी नहीं है कि आपको स्टेट पेविलियन से ही सिर्फ करनी है, आप बाकी यहाँ पर जो बड़े बड़े वेंडर्स आए हुए हैं या छोटे छोटे वेंडर्स आए हुए हैं, सभी अपना काफी इंटरेस्टिंग सामान लेकर आए हुए हैं। हॉल नंबर 4 के ग्राउंड फ्लोर पर इनफैक्ट कुछ और भी वेंडर्स हैं जहाँ से आप ये सब चीजें ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो आपके हाउस होल्ड आइटम्स हो या फिर कोई शो पीसेस, जैसे कि ये शॉप काफी अच्छे शो पीसेस बेच रही थी। इस तरह के अगर आप शो पीस चाहते हैं तो आपको ग्राउंड फ्लोर से ही मिल सकते हैं, और अगर आप स्टेट पेविलियन से स्टेट स्पेसिफिक चीजें चाहते हैं तो आपको स्टेट पेविलियन में जाना होगा। तो चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएं या सेकंड फ्लोर पे जाएं, चाहे आप हॉल नंबर 2 में जाएं, 3 में जाएं, 4 में जाएं या 5 में जाएं, हर तरफ आपके मतलब का कुछ ना कुछ जरूर होगा। सो मेक श्योर करें आप कुछ कंफर्टेबल पहने, कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ताकि ज्यादा चलने में आपको दिक्कत ना हो। बुजुर्गों के लिए एक बार फिर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऊपर जाने के लिए, यानी कि सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर भी घूमने फिरने के लिए कारपेट्स बिछाए गए हैं, तो थोड़ा सा आपका वॉक इजी हो जाता है। सो दैट वेज इस बार जो इनका अरेंजमेंट था, दैट वाज प्रिटी गुड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। जगह बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, इस बार वेंडर्स भी ज्यादा आए हैं, और डेफिनेटली आफ्टर कोविड जो मार्केट है ज्यादा ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। We'll be right back.
चलिए अब जिस नेक्स्ट पेविलियन में मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है केरला। केरला शुरू से ही मेरा काफी फेवरेट पेविलियन रहा है क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टवर्क देखने को। तो अगर आपको यहाँ से काजू चाहिए जो केरला में मिलते हैं, या फिर आपको कुछ ऑयल्स चाहिए, या फिर आपको स्पाइसेस चाहिए, देन केरला इज पेविलियन फॉर यू। यहाँ पर आप आर्टवर्क भी बहुत ब्यूटीफुल देखेंगे और केरला की ऑथेंटिक आइटम्स जैसे कि स्पाइसेस, ऑयल्स वगैरह वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। एक आपको मैं और बताऊं कि अगर आप यहाँ से केले के चिप्स चाहते हैं विच आर ऑथेंटिक केरलाइट चिप्स, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर लकड़ी के हाथी हों या इस तरह के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस, ये भी आप ले सकते हैं। साथ में स्पाइसेस और साथ में इनके मिलने वाले पिकल्स आर ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड। तो जब भी केरला आते हैं मेक श्योर करें इन सब चीजों की शॉपिंग जरूर करें। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्टेट में विच इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अगर आप आते हैं देन यू मस्ट बी लुकिंग फॉर सम ब्यूटीफुल साड़ीज। वेस्ट बंगाल में साड़ी जो है काफी वैरायटी की आती है, चाहे वो बाटिक हो या इस तरह के काफी ज्यादा चॉइसेस आपके पास रहती हैं। इस बार आए हुए हैं यहाँ पे काफी अच्छे जूसेस, ड्रिंक्स और ऑब्वियसली साड़ी तो यहाँ पर होगी ही होगी, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। सो वेस्ट बंगाल इज अनदर गुड प्लेस फॉर शॉपिंग। जब भी आप यहाँ पर आए यहाँ से आप ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के आइटम्स हो, टेक्सटाइल्स हो, धोतीज हो, साड़ीज हो या इस तरह का बंगाल वियर हो। सो दैट इज समथिंग विच इज मस्ट बाय व्हेनेवर यू आर इन बंगाल। इस नेक्स्ट स्टेट में मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है गुजरात। गुजरात अगेन इज ऑल अबाउट हैंडीक्राफ्ट, गुजरात इज ऑल अबाउट ड्रेसेस, गुजरात इज ऑल अबाउट गरबा, गुजरात इज ऑल अबाउट फेस्टिविटीज। तो ये सभी वाइब्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कलरफुल क्लोथ्स यहाँ पर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे बिकॉज दैट इज वॉट गुजरात इज ऑल अबाउट, कलर्स, ब्यूटी, वाइब्रेंसी। तो ये सब यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली गरबा के अगर आपको यहाँ पे ड्रेसेस चाहिए या गुजराती ड्रेसेस चाहिए वो आप यहाँ से जरूर ले सकते हैं। तो जब भी आप गुजरात पेविलियन में आते हैं मेक श्योर के गुजराती ड्रेसेस हों या गुजराती हैंडीक्राफ्ट हो, ये आप जरूर लें। ये आप खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं? ये पूरा ब्रास है? ब्रास, प्योर ब्रास। इनकी कॉस्टिंग है जो राधा कृष्ण मूर्ति की पेयर। ओके, 25 किलो वजन है दोनों का, प्योर ब्रास। अच्छा ठीक है।
पानी भर के फ्लावर। ओके, ये कितने की कॉस्टिंग है इसकी? ये 15,000 की। 15,000। और कितना वजन है इसका? 10 से 12। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ से आपको मिलती है ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट, एंड दैट इज मोस्ट प्रोबब्ली द रीजन कि आपको यहाँ से थोड़ा सा हाई प्राइस भी मिलता है, बिकॉज क्वालिटी की चीजें मेहनत से बनती हैं। नेक्स्ट पेविलियन में जिसमें मैं आपको लेके जा रहा हूँ, दैट इज अनदर फेवरेट ऑफ माइन, विच इज कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर अगेन आप इस तरह के देखेंगे तो ब्यूटीफुल आर्ट वर्क आपको देखने को मिलेगा लकड़ी के ऊपर खास तौर पे। तो यहाँ से एक और चीज जो आप ले सकते हैं, विच आर चॉकलेट्स, और यहाँ पे मैसूर सैंडल, साबुन, सिल्क साड़ीज वगैरह वगैरह काफी ऑप्शंस आपके लिए शॉपिंग के अवेलेबल रहती हैं। सो कर्नाटका अगेन इज अ मस्ट 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 विजिट पेविलियन जब भी आप यहाँ पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कर्नाटका में आप आर्ट एंड क्राफ्ट का काफी सामान ले सकते हैं। अगर आप इस तरह के पीसेज में इंटरेस्ट हैं तो आप बिल्कुल ये पीसेज यहाँ से ले सकते हैं। थोड़े से कॉस्टली जरूर होंगे, बट हर तरह की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। सेकेंडली, कर्नाटका के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, चॉकलेट्स भी आप ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और सेकेंडली, अगर आप यहाँ से सिल्क साड़ीज चाहते हैं वो भी आपको मिलती हैं। और यहाँ के एक और चीज़ जो काफ़ी मशहूर है वो है लकड़ी के छोटे छोटे टॉयज। तो लकड़ी के टॉयज या साड़ीज, ये सभी चीज़ें आपको कर्नाटका के पेविलियन में आसानी से मिल जाएंगी। इन लकड़ी के टॉयज जो कि मलापट्टनम में बनते हैं, ये छोटे छोटे टॉयज आपको की रिंग्स की फॉर्म में मिल जाएंगे, या एक तरह से कलेक्शन के लिए आप ये जरूर ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर मिलने वाला कावेरी एम्पोरियम जो कि काफी मशहूर है, उस तरह का सामान भी आप यहाँ से ले सकते हैं, चाहे ऑयल्स हों, जैम्स हों, चॉकलेट्स हों, मैसूर सैंडल सोप्स हों, ये सब चीजें यहाँ से मस्ट बाय हैं, आप जरूर लें। एंड डू ट्राई मैसूर कॉस्मेटिक्स एज वेल। स्टेट्स के साथ साथ अगर आप नेपाल घूमना चाहते हैं तो नीचे नेपाल भी आपके लिए अवेलेबल है। नेपाल के आइटम्स भी आप चाहें तो खरीद सकते हैं, चाहे वो कुकरीज हों, या नेपाली टोपीज हों, या नेपाली आर्टिकल्स, या नेपाली कपड़े हों, ये सब चीजें आप नीचे नेपाल के पेविलियन से भी ले सकते हैं। तो चलिए, नेपाल के बाद आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा टूर नीचे जो वेंडर्स हैं उनका, चाहे वो हुनर हाट जो कि एक स्पेशल इस बार थीम लगाया गया है, उसके वेंडर्स हों, या यहाँ पे जनरल वेंडर्स हों। चलिए थोड़ा सा टूर आपको नीचे का भी कराता हूँ, दैट मीन्स नीचे के फ्लोर का, विच इज ग्राउंड फ्लोर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी यहाँ पे हॉल्स हैं, जैसे कि हॉल नंबर 7, हॉल नंबर 6, हॉल नंबर 5 एज वेल, जहाँ पे इस तरह के वेंडर्स जो कि लोकल इंडियन वेंडर्स हैं आपको मिल जाएंगे। स्टेट स्पेसिफिक ये जगहें नहीं हैं, बट ये वाले वेंडर्स जो हैं ऑलमोस्ट सभी हॉल्स के अंदर हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजें चाहते हैं विच आर नॉर्मल हाउस होल्ड आइटम्स, तो इन सभी जगहों से आप ले सकते हैं। प्राइसेस अगेन आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग यहाँ पे हुनर हाट के हवाले से आए हैं,
तो हुनर हाट जो है ट्रू आर्टिशंस होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड उन लोगों से आपको बार्गेनिंग करने का नहीं करूँगा इनफैक्ट। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको अच्छे वैल्यू पे मिल रही है, अच्छे दाम पर मिल रही है, तो उसे ज़रूर खरीद लें, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा चांस होता है कि वो चीज़ जो आपको चाहिए वो दोबारा ना मिले। सो मेक श्योर कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है और आपको उसका प्राइस ठीक लगता है, बार्गेन करके देख लें, अगर आपको मिल जाती है तो उस चीज़ को आप ज़रूर खरीद लें, बिकॉज जनरली जो चीज़ें हैं या पीसेस हैं यहाँ पर बहुत कम ये लोग लेकर आते हैं। तो सिंगल पीस अगर कुछ आपको पसंद है, मेक श्योर आप वो ज़रूर खरीदें। और इन सभी लोकल आर्टिशंस जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो कोविड टाइम्स में यहाँ पर आए हुए हैं, इनफैक्ट इन सब की हेल्प करना, इन सब की जो है एक तरह से मैं कहूँगा मदद करना और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, हम सबका फर्ज बनता है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर करें सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क ज़रूर पहनें और पूरा ख्याल रखें अपना ट्रेड फेयर को एक्सप्लोर करने में। सो एट द सेम टाइम मैं आपको दोबारा से छोड़े जा रहा हूँ इस वॉकिंग टूर के साथ जो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले ट्रैवल वीडियोस की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे। तो मैं जल्दी मिलता हूँ नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस एंड कीप एंजॉयिंग द वॉकिंग टूर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021। एंड मेक श्योर अगर आपके कुछ भी इस बारे में क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और कुछ सजेशन हो वो भी आप बताएं, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी का आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो जल्दी मिलता हूँ नए वीडियोस के साथ, टेक केयर।